लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा का विरोध संपूर्ण देश में किया जा रहा है। वहीं नागपुर में भी इस घटना का निषेध करते हुए महाविकास आघाड़ी द्वारा आंदोलन किया गया। इस दौरान किसानों को न्याय देने की मांग की गई। बीजेपी मोदी तेरी हाय हाय मोदी तेरी हाय हाय नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में किसानों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना का संपूर्ण देश में निषेध किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियों के साथ किसान भी न्याय के लिए सड़क पर उतर आए हैं। वहीं नागपुर के वैरायटी चौक में भी महाविकास आघाड़ी द्वारा आंदोलन किया गया। चौक में रास्ता रोको आंदोलन का महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही हिंसा का निषेध करते हुए मृत किसानों के परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक मुआवजा और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस आंदोलन में तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ज्या प्रकारे केंद्र सरकार ने शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि शेतकऱ्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार आणि महाविकास आघाडी हे सगळे त्यांच्या विरोधामध्ये आज संप पुकारलेला आहे आणि महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलेलं आहे। त्या स्वयंपूर्तीने सगळे दुकानदार व्यापारी सगळे लोक आमच्यासोबत आहेत आणि बंद पुकारलेला आहे। किसानों की संवेदना में लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जिस प्रकार से अत्याचार किया है किसानों पर, गाड़ियों से कुचलकर जो किसानों की हत्या हुई है, इसकी संवेदना में भारत का प्रत्येक नागरिक तैयार है। कुछ भाजपा के दलाल, कुछ भाजपा सरकार के दलाल अगर ये दिखाना चाहे कि जनता के हित में व्यापारी नहीं हैं तो वो उनकी गलत फहमी है। और ऐसे लोगों को शिवसेना तमाचों से जवाब देगी। और मेरा ये कहना है कि किसानों के सम्मान में शिवसेना आंदोलन कर रही है, शिवसेना बंद करा रही है। महाविकास आघाड़ी द्वारा जो बंद पुकारा गया है उसको सफलतापूर्वक जनता की हामी से और व्यापारी जनता से अलग नहीं होता।